वो एक प्रयोगशाला सहायक के लिए उपयोगी है ही है, साथ साथ में हमारा प्रयास दूसरे एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी है। अतः आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को या ये जो सीरीज है इसको आपको अवश्य देखनी चाहिए, साथ में शेयर भी करनी चाहिए। लेकिन आप सभी लोगों का आभार भी है, आपने इस चैनल को सराहा भी है और एक दूसरे को शेयर भी किया है, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। क्योंकि हमें उम्मीद सिर्फ ये थी कि वो बच्चे जो हमसे पढ़ते हैं वही बच्चे इसको लाइक करेंगे या वही बच्चे हमसे जुड़ेंगे, लेकिन यह तादाद कुछ और ही है और देखने का व्यू जिस है ये भी कुछ और ही है। आप सभी लोगों का तहे दिल से मैं आभारी हूँ कि आपने इस वीडियो की श्रृंखला को और 10th क्लास की वीडियो की श्रृंखला को भी सराहा है। दोस्तों हमारे साथ में एक और चीज हमने नहीं जोड़ी थी कि 9th क्लास और 10th क्लास के 10वीं की विज्ञान और 9वीं की विज्ञान को पूरी तरह से व्याख्या करके उसको समझाना बच्चों के लिए, जो बच्चे कोचिंग नहीं कर सकते हैं या जिनको बेस्ट करना है उनके लिए हम कुछ नया रखें, उसका प्रयास आने वाले वीडियो में है। हमारे साथ बने रहिए, आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कल के वीडियो में हमने जो बात करते करते रुक गए थे वो थी सरल सूक्ष्मदर्शी, एक था संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और एक था इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी। अलग अलग समय अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग प्रकार से इन्होंने किसकी खोज कर ली है, सूक्ष्मदर्शी की खोज कर। जनरली हमें पता है कि सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी की बात आती है तो सरल सूक्ष्मदर्शी हम सभी लोग जानते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी जो है उसके अंदर केवल एक लेंस का उपयोग होता है। कितने लेंस का उपयोग होगा? एक लेंस का उपयोग होता है और लेंस होता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। इसी में दूसरा अवतल अवतल दर्पण का उपयोग होता है। क्या उपयोग होता है? अवतल दर्पण। कभी कभी इसके स्थान पर समतल दर्पण का भी उपयोग होता है। ये दोनों क्या काम करते हैं? ये दोनों दर्पण मिलकर के प्रकाश को एकत्रित करने का काम करते हैं और आगे से आगे ऊपर फेंकने का काम करते हैं। ये सारी बात किसके बारे में हुई? समतल दर्पण के बारे में हुई। अब बात आती है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो जॉनसन एंड जॉनसन, दो व्यक्ति हैं जिनका नाम है जॉनसन एंड जॉनसन। इन्होंने क्या किया? तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज की। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज करने वाले वैज्ञानिक बात पूछा भी जाता है कई बार, इसके ध्यान रखना, जॉनसन एंड जॉनसन। और उसके बाद में आता है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। उससे पहले एक फ्लोरिसेंट फ्लोरिसेंट माइक्रोस्कोप। इसमें क्या होता है कि पराबैंगनिक जितना प्रकाश होता है उसका अवशोषण किया जाता है। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है कुछ पदार्थों में, उसका अवशोषण कर लेते हैं। उस प्रकाश को अवशोषण करने का जो क्रियाकलाप है वो कौन से माइक्रोस्कोप में है? तो वो है फ्लोरिसेंट। फिर आता है हमारे पास में एक लास्ट अंतिम, उसे कहते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जो है उसकी खोज करने वाला था नॉल और रस्का। नॉल और रस्का दो व्यक्ति हैं जिन्होंने खोज करी इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। इसमें किसी भी पदार्थ की या किसी भी जीवित संरचना की आकृति को और उसकी आवर्धन क्षमता को हजारों गुना बढ़ाई जा सकती है, हजारों गुना। देखिए यहां पर जो बढ़ाई जा रही थी केवल 10 से 20 बढ़ाई जा रही थी। सरल सूक्ष्मदर्शी में कितनी बढ़ाई जा रही थी? 10 से 20। उसके बाद में अगर चले जाएं अपन तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो था उसके अंदर कौन कौन से लेंस उपयोग में लाते हैं? एक होता है 10x और एक होता है 45x, दो प्रकार के होते हैं 10x 45x। और इधर जो है इन दोनों लेंस से 10x और 45x लेंस से लगभग 1000 गुना आवर्धन क्षमता को बढ़ाई जा रही है। कितने लेंसों का उपयोग हो रहा था? दो लेंसों का उपयोग, एक तो ऑप्टिकल लेंस था वस्तु के पास में और एक नेत्र लेंस था जो आंख के पास में था। इसमें भी उत्तल अवतल दर्पण और समतल दर्पण का उपयोग किया जा रहा था। अवतल दर्पण और समतल दर्पण का उपयोग किसमें किया जा रहा था? सूक्ष्मदर्शी के अंदर। इसमें दो चलायमान कुंजी थी जिससे अपन एडजस्ट कर सकते थे। उसके अलावा फ्लोरोसेंट के अंदर भी इसी प्रकार का उपयोग हो रहा था और उसको अंदर प्रकाश को गुजारा जा रहा था। ये जो सूक्ष्मदर्शी है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ये प्रकाश का भीतर प्रवेश करने वाले सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाश इसके भीतर प्रवेश करता है, जो भी पदार्थ है उसमें से प्रकाश का होकर गुजरना आवश्यक है और ये अत्यधिक बारीक अत्यधिक सूक्ष्म कण को भी देखने में सक्षम है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप
और भी ज्यादा पावरफुल है, उससे उसका कई गुना हजारों गुना बढ़ा करके उसको अपन देख सकते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं ये हमने किसके बारे में देखी, ये सारी हमने सूक्ष्मदर्शी के बारे में देखी। अब सूक्ष्मदर्शी पढ़ लेने के बाद में हमारे लैब असिस्टेंट में बायोलॉजी का चैप्टर चल रहा है, तो लैब असिस्टेंट के टॉपिक में हम देखते हैं कि कोशिका की हमने खोज करवा दी थी, लिवर हॉक की हमने बात कर ली थी, अब बात करते हैं कि रियल में कोशिका जो है उसके कितने भाग हैं। तो कोशिका के मुख्यतः तीन भाग, कोशिका के मुख्यतः तीन भाग कौन कौन से, एक भाग जो है वो है सबसे बाहर वाला है कोशिका कला, कोशिका कला और दूसरा भाग जो है वो आ रहा है हमारे पास में जीव द्रव्य, और तीसरा आ रहा है केंद्रक। देखिए कोशिका कला जो है ये बाहरी आवरण है, अच्छा इससे बाहर कौन, तो पादपों के अंदर, पादपों में सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन जंतुओं में सबसे बाहरी आवरण कौन है, कोशिका कला। कोशिका कला नाम देने वाला या प्लाज्मा झिल्ली नाम देने वाला आदमी जो था वो व्यक्ति था नेगेली, कौन सा व्यक्ति है, तो नेगेली। अब बात ये आती है कि कोशिका कला से पहले अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा, तो हमको पढ़ने पड़ेगा कोशिका भित्ति सेल वॉल। उससे पहले हम बात करते हैं जीव द्रव्य की, कुछ पॉइंट लेते हैं जीव द्रव्य के। खोज करने वाला है नामदाता कौन, नाम किसने दिया, तो नाम देने वाला था पुर्किंजे। और केंद्रक की खोज करने वाला कौन है, तो हम सभी को पता है कि खोज करने वाला रॉबर्ट ब्राउन है। अच्छा जीव द्रव्य के अंदर कौन कौन से कोशिकांग हैं, तो जीव द्रव्य के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, हरित लवक है, गोल्जी काय है, हमारे पास में लाइसोसोम है, तारक काय है, और ईआर है, अंतः प्रद्रव्य जालिका है। ये सारे के सारे जीव द्रव्य के अंदर है। आज हम बात करने जा रहे हैं केवल कोशिका भित्ति। देखिए कोशिका भित्ति क्या है, अगर पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है तो कोशिका भित्ति पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि इसमें से प्रश्न बनेगा कोशिका भित्ति। देखिए कोशिका भित्ति सेल वॉल, कोशिका भित्ति पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण, पादप कोशिका क्या है, सबसे बाह्य आवरण। अच्छा पादपों के अंदर, पादपों में यह सेल्यूलोस, हेमिसेल्यूलोस, पेक्टिन, सुबेरिन और लिग्निन की बनी होती है। सेल्यूलोस, हेमिसेल्यूलोस, पेक्टिन, सुबेरिन और लिग्निन की बनी होती है। कौन बनी हुई है, तो कोशिका भित्ति। अब अगर कोशिका भित्ति इनकी बनी हुई है तो कोशिका भित्ति की संरचना कैसी है। अब कोशिका भित्ति की संरचना समझने से पहले हमको कोशिका भित्ति में जाना होगा। डायग्राम में आप देख रहे हो कि कोशिका भित्ति है। अब इस कोशिका भित्ति के अंदर ये जो बाहरी बाहर आवरण है, बाहरी बाहर आवरण, डायग्राम क्या देख रहे हो आप, ये जो बाहर वाला आवरण है, इस बाहर वाले आवरण में कोशिका का सबसे ऊपरी ऊपर आवरण जो दिख रहा है उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, मध्य पटली। अंग्रेजी में लिखा हुआ है मिडिल लैमेला, मध्य पटली। कोशिका का सबसे बाह्य आवरण मध्य पटली का, मिडिल लैमेला। अब ध्यान दीजिए मध्य पटली का या मिडिल लैमेला के बाद में कौन आता है, तो वो आता है प्राइमरी यानी कि प्राथमिक कोशिका भित्ति, दूसरा आता है द्वितीयक कोशिका भित्ति और तीसरा आता है तृतीयक कोशिका। कितनी प्रकार की कोशिका भित्ति, तीन। अब बात करते हैं मध्य पटली का। मध्य, अगर प्रश्न आ जाए कि शरीर कोशिका भित्ति में सबसे बाह्य आवरण कोशिका कौन सा है, तो मध्य पटली।
क्या पाया जाता है, कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम का मिश्रण पाया जाता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम का मिश्रण पाया जाता है। कच्चे फलों के अंदर जो कर की जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण होती है, लेकिन फल जब पक जाता है तो थोड़ा सा सॉफ्ट थोड़ा सा मुलायम हो जाता है, और थोड़ा सा सॉफ्ट थोड़ा सा मुलायम जो है करने वाला कौन है, तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम का थोड़ा सा ही रीजन होता है। दूसरी चीज क्या आती है कि मध्य पटलिका जो होती है इसको सीमेंट की संज्ञा दी गई है, पादप कोशिका का सीमेंट किसे कह रहे हैं अपन, मध्य पटलिका, यानी कि दो कोशिकाओं को जोड़ने वाला काम जो कर रहा है ये मध्य पटलिका ही कर रहा है। दो कोशिकाओं को जोड़ने वाला काम जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, मध्य पटलिका ही कर रही है। मध्य पटलिका के अंदर की तरफ, कोशिका के अंदर की तरफ, दोनों कोशिकाओं में अंदर की तरफ प्राथमिक कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब बात कौन आएगी, प्राथमिक कोशिका भित्ति। देखो प्राथमिक कोशिका भित्ति जो है उसके अंदर किसके कौन सा घटक होता है, सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है, पेक्टिन है। तीन चीजें याद रखनी है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन, किसके अंदर, प्राथमिक कोशिका भित्ति है। ये अपेक्षाकृत आंतरिक भाग है, मिडिल लेमिना के अंदर की तरफ पाई जाती है, दोनों ही कोशिकाओं के अंदर की तरफ पाई जाती है। दूसरी बात आती है हमारे पास में द्वितीयक कोशिका भित्ति। द्वितीयक कोशिका भित्ति जो है वो किसकी बनी हुई है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, उसके साथ में सुबेरिन। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन के साथ में कौन आएगा, सुबेरिन। तो ये बनी हुई हमारे पास है द्वितीयक। तृतीयक जो आती है, तृतीयक शुद्ध सेलुलोज की बनी हुई संरचना है। तृतीयक कोशिका भित्ति क्या है, शुद्ध सेलुलोज की बनी हुई संरचना। अब प्रश्न आ सकता है कि शुद्ध सेलुलोज की बनी हुई संरचना कौन सी है, तो शुद्ध सेलुलोज की बनी हुई संरचना कौन सी है, तो तृतीयक वाली शुद्ध सेलुलोज बनी हुई संरचना। अब ये बात हमने किसकी करी, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ एक आवरण पाया जाता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, कोशिका कला, उसे क्या बोलेंगे, कोशिका कला। यहां अपन बोलेंगे प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा झिल्ली, ये जितने भी नाम है वो अंदर वाले, लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, पादप कोशिका में यह सबसे बाह्य आवरण तो कोशिका भित्ति है, और जंतु कोशिका में सबसे बाह्य आवरण जो है वो कौन है, कोशिका झिल्ली। अब बात करेंगे कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली जो है जंतु कोशिका की सबसे बाह्य आवरण है। जंतु कोशिका का सबसे बाह्य आवरण कौन सा है अगर पूछा जाए तो क्या कहेंगे हम, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। पादप में से पार होगी वो कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली जो है सबसे पहले बात करेंगे तो नेगेली ने नाम दिया, नेगेली ने क्या दिया, इसका नाम दिया। अच्छा, इसके अंदर एकल झिल्ली सिद्धांत, दोहरी झिल्ली सिद्धांत, दोहरी झिल्ली सिद्धांत और सैंडविच मॉडल, सैंडविच प्रस्तुत किए। ध्यान देने वाली बात यह है कि एकल झिल्ली दोहरी झिल्ली सिद्धांत की तुलना में सैंडविच मॉडल यानी कि मोजेक या लिक्विड फ्लूड मोजेक या तरल मोजेक मॉडल को अपेक्षाकृत अधिक माना गया या सबसे सफल माना गया। इस मॉडल में ये बात की गई कि फास्फोलिपिड्स और प्रोटीन दोनों की परत पर जाती और सैंडविच जैसी संरचना बन जाती, इसे बोलते हैं सैंडविच मॉडल, यानी कि हम क्या बोलेंगे, तरल मोजेक। अब बात यह आती है कि तरल मोजेक मॉडल दिया किसने, अगर इतना फेमस है, एक तो था निकोलसन और दूसरा था सिंगर। सीधा से याद रखना, सिंगर को निकालो तो सिंगर निकोलसन। अब तरल मोजेक मॉडल जो है उसके मध्य में प्रोटीन जो पाया जाता है, प्रोटीन कई बार क्या होता है कि फास्फोलिपिड्स के ऊपर आता है, उससे बोलते हैं समाकलित प्रोटीन। ध्यान देने वाली बात, प्रश्न यहां से बन सकता है
की कोशिका झिल्ली, मेगली ने नाम दिया दोहरी झिल्ली और एकल झिल्ली, और सैंडविच मॉडल, किसने सैंडविच मॉडल किसका है, निकोलसन और सिंगर का है, और इसके अनुसार किससे बना हुआ है, तो फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स से बना। ये सारी बात जो है वो किस पर करी, हमने कोशिका झिल्ली पर करी। अब हम जिस पर बात करने जा रहे हैं कोशिका झिल्ली के बाद में, वो आएगी हमारे पास में, वो है जीव द्रव्य। देखिए जीव द्रव्य जो है, जीव द्रव्य जो है पुरकिन जी ने इसका नाम दिया। जीव द्रव्य के अंदर मैक्सिमम जो पदार्थ पाया जाता है वो जल होता है, बाकी अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, मैक्सिमम पदार्थ कौन सा है, जल है। वैसे भी मनुष्य या कोई भी जीव जिससे जल की मात्रा उसमें अधिक है। तो जल के बाद में हम बात करते हैं कि जीव द्रव्य के अंदर कौन कौन से कोशिकांग है, कौन कौन से कोशिकांग है। तो सबसे पहला कोशिकांग ले रहा हूं माइटोकॉन्ड्रिया। देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके बारे में आपने हमारा जो पुराना वीडियो है इसको भी आपने देख लीजिए एक बार, क्योंकि वो भी महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूरा हमको स्टडी करनी है। हालांकि मैंने जो प्रीवियस वीडियो है उसमें बता रखा है माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, उसके लिए एक अलग से पूरा मैंने वीडियो दिया है। तो अब कोशिकांग की बात जो होगी वो हमारा लेक्चर नंबर 4 जो होगा उसमें होगा। आपको अगर लगता है कि LDC के एग्जाम के लिए, सॉरी LDC और लैब असिस्टेंट के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इन वीडियो पर लाइक तो कम से कम मुझे लगता है कि कर देना चाहिए, अगर आपको अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको लगे कि ये चैनल आपके लिए उपयोगी है या आपके किसी सगे संबंधी मित्र या भाई के लिए उपयोगी है, तब ये उसको शेयर कीजिए इस चैनल को, ताकि हम इस चीज में और भी ज्यादा बेहतर कर सकें और भी ज्यादा मैं आपके साइंस के वीडियो आपके लिए ला सकूं। अधिकांश कोचिंग इंस्टीट्यूट पे भी हम इन्हीं चीजों पर टिके हुए हैं, तो क्यों ना हम एक ऑनलाइन क्लास के जरिए आप लोगों से जुड़े हुए हैं। तो आप इसका बेनिफिट हमें ये होना चाहिए कि हमारा हौसला वर्धन तो होना ही चाहिए कम से कम, कि ये चीज अच्छा है या बुरा है क्या है, कमेंट्स आप मुझे कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर फिर भी आपको कोई डिफिकल्टी लगती है तो स्क्रीन पर नीचे मेरा नंबर दे रखे हैं, आप इस पर मुझे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं तत्पर रहूंगा, है ना। इसके लिए आप सब्सक्राइब का जो बटन है उसे प्रेस कीजिए और हमें चुनिए अगर आपको सही लगे।